हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इस वीडियो में आज बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि सीटी का एग्जाम नज़दीक है और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का किस शहर को कहते हैं? एक नंबर सीकर, दो नंबर दिल्ली, तीन नंबर अजमेर और चार नंबर है मुंबई। क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान का जो हृदय बोला जाता है अजमेर जिला, वह भारत का मक्का कहलाता है। तो यहाँ पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इस वजह से इसे भारत का मक्का कहते हैं। तो तीन नंबर ऑप्शन सही होगा, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, अजमेर जिले के स्थानों को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकेंड दी गई है। सोनी जी की नस्यों की बात करें तो सोनी जी की नस्यां हैं वो जैन संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद में जो सलेमाबाद है वो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। उसके बाद में पंचकुंड की बात करें तो पंचकुंड से पांडव, याद रखना है आपको, पांडव हो जाएगा। फिर मांगलियाबाद से कल्पवृक्ष, याद रखना है। तो इस तरह से इसका मिलान करना है। सोनी जी की नस्यां जैन संप्रदाय से संबंधित है, सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, पंचकुंड की बात करें तो पांडवों से संबंधित है और मांगलियाबास है जो कल्पवृक्ष आप जानते हैं। तो इसका ऑप्शन जो चार जो मिलान है वो सही है। सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की एक प्रधान पीठ भी है। दानेश्वर, अगला क्वेश्चन है, दानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दानेश्वर तीर्थ है वो कहाँ पर है? तो उससे संबंधित जो कथन है वो कौन से सत्य है? एक नंबर है, ये मिनी पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। दो नंबर है, यहाँ खारी व मानसी नदी का संगम होता है। तीन नंबर है, ये अजमेर में स्थित है। और चार नंबर है, उपरोक्त सभी सत्य है। तो उपरोक्त सभी सत्य है क्योंकि मिनी पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है दानेश्वर तीर्थ को, और खारी व मानसी नदी के संगम पर है दानेश्वर तीर्थ, ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर में स्थित है। तो ये तीनों ही कथन सही है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस जिले में स्थित है? शेर ए चश्मा किस जिले में स्थित है? शेरशाह सूरी के नाम पर बना हुआ है। एक नंबर मेहरानगढ़, दो नंबर तारागढ़, तीन नंबर कटारगढ़ और चार नंबर है भरतपुर दुर्ग। तो इसका सही आंसर है तारागढ़ दुर्ग के अंदर शेर ए चश्मा बना हुआ है शेरशाह सूरी के नाम पर। तारागढ़ दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, तारागढ़। तारागढ़ किस जिले में है ये आपको कॉमेंट में बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर की मुस्लिम महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ की बात करें तो राजस्थान के अंदर दो जो दुर्ग है तारागढ़ है, तो आपको तारागढ़ दोनों बतानी है कि किस जिले में है। एक तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अलवर की मूसी महारानी की जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? एक नंबर विनय सिंह, दो नंबर जय सिंह, तीन नंबर मंगल सिंह और चार नंबर है बख्तार सिंह। तो इसका सही आंसर है, विनय सिंह ने अलवर की मूसी महारानी का जो छतरी बनी हुई है उसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। एक नंबर ऑप्शन सही होगा, विनय सिंह। अगला क्वेश्चन है, तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर प्राचीन काल के किन तीन पुरों के मध्य स्थित है? तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है ना, वो प्राचीन काल में किन तीन पुरों के मध्य स्थित है? तो एक नंबर है शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर। दो नंबर पर है शिवदासपुर और जयपुर और मदनपुर। तीन नंबर है विष्णुपुर, लक्ष्मीनाथपुर और शिवदासपुर। चार नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तिलवाड़ा के समीप स्थित है। एक नंबर ऑप्शन है जो शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर, ये तिलवाड़ा के समीप है तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली से निर्मित है? ऐसा भी दुर्ग है राजस्थान के अंदर जो दिल्ली के लाल किला है उसकी शैली से निर्मित है। एक नंबर शिवाना दुर्ग बाड़मेर, दो नंबर बयाना दुर्ग भरतपुर, तीन नंबर नाहरगढ़ बारा और चार नंबर है तारागढ़ अजमेर। तो इस किले की बात करें तो नाहरगढ़ बारा, यानी कि दोस्तों दिल्ली के जो लाल किला है उसकी शैली पर बना हुआ है नाहरगढ़ बारा का किला। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आड़ोती का खाजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के बंडदेवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी में किस मेदवंशीय शासक ने निर्माण करवाया था?
तो एक नंबर संदीप राज वर्मा, दो नंबर उनकुल राय वर्मा और तीन नंबर है मलय वर्मा और चार नंबर है अशोनाथ वर्मा। तो इसका सही आंसर है मलय वर्मा। हड़ौती का जो खाजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के भंडदेवरा शिव मंदिर है ना, उसको 10वीं शताब्दी में बनाया गया था और मलय वर्मा मेदवंशीय शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मलय वर्मा इसका सही आंसर है। यहाँ पर क्या है, मिथुन मुद्रा में अनेक आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। अगला क्वेश्चन है कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर है। एक नंबर मंडोर जोधपुर, दो नंबर है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तीन नंबर है किशनगंज बारा और चार नंबर है धोरीमना बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है किशनगंज बारा। कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर है, किशनगंज बारा जिले में है। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेकनाम बाबा की दरगाह है किस जिले में स्थित है। नेकनाम बाबा की दरगाह एक नंबर बारा, दो नंबर बांसवाड़ा, तीन नंबर अजमेर और चार नंबर है अलवर। तो इसका सही आंसर है बारा जिले में है नेकनाम बाबा की दरगाह। एक नंबर ऑप्शन सही होगा बारा जिला। अगला है रानी बटियाणी का मेला कहाँ आयोजित होता है। रानी बटियाणी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। एक नंबर जसोल बाड़मेर, दो नंबर साहेबाद बारा, तीन नंबर है तिलवाड़ा अजमेर और चार नंबर है डीग भरतपुर। तो इसका सही आंसर है जसोल बाड़मेर में रानी बटियाणी का मेला आयोजित होता है जसोल बाड़मेर में। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। और जो जसोल बाड़मेर में रानी बटियाणी का मेला है वो कार्तिक बुद्धि पंचमी को होता है, कार्तिक बुद्धि पंचमी को। अगला है लोधी मीनार कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोधी मीनार कहाँ पर है। एक नंबर दिल्ली, दो नंबर बयाना, तीन नंबर उज्जैन और चार नंबर है डीग। तो इसका सही आंसर है बयाना भरतपुर में है लोधी मीनार। लोधी मीनार की बात करें तो लोधी मीनार बयाना भरतपुर जिले में है। दो नंबर ऑप्शन सही होगा बयाना। अगला है मेनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम पर मेला कब भरता है। तो मेनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम के ऊपर शिवरात्रि को मेला भरता है और इसे सोरत का मेला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसे सोरत का मेला कहते हैं और शिवरात्रि को भरता है मेनाल भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी बनी हुई है 32 खंभों की, ये कहाँ पर है। एक नंबर आमेर जयपुर, दो नंबर मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तीन नंबर राजमहल टोंक और चार नंबर है लालसोड़ दौसा। तो इसका सही आंसर है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। दो नंबर ऑप्शन सही होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी है चूहों की देवी किसे कहते हैं। एक नंबर नाकोड़ा जी, दो नंबर केशवराय पाटन मंदिर, तीन नंबर सचिया माता का मंदिर और चार नंबर है करणी माता का मंदिर। तो चूहों की देवी कौन सी है कमेंट में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहां पर स्थित है। बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहां पर है। एक नंबर देवीकुंड सागर, दो नंबर नोखा, तीन नंबर श्री कोलायत, चार नंबर है कोडमदेसर। तो इसका सही आंसर है देवीकुंड सागर के अंदर है। बीकानेर के जो राज परिवार है राजा है उनकी सभी की छतरियां हैं वो देवीकुंड सागर में है। तो एक नंबर ऑप्शन सही होगा देवीकुंड सागर। अगला क्वेश्चन है बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी जो बावड़ियों की सिरमौर है का निर्माण किसने करवाया था। बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी है और बावड़ियों की जो सिरमौर है ये रानी जी की बावड़ी, तो इसका निर्माण किसने करवाया था। एक नंबर रानी नातावन जी ने, दो नंबर है राव राजा उमेद सिंह, तीन नंबर है दाबाई देविया और चार नंबर है राजा विष्णु सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी नातावन जी ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी है जिसे बावड़ियों की सिरमौर कहते हैं उसका निर्माण करवाया था रानी नातावन जी ने। तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1544 में हुए गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन निम्न में से किस ख्यात में मिलता है। जो 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इसके साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध है और 1644 में जो मतीरे की लड़ाई है वो हुई थी, तो ये 100 साल बाद में हुई थी, ये आपको याद रखना है। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था तो उसका उल्लेख कहाँ पर है। एक नंबर नैनसिरी ख्यात में, दो नंबर जोधपुरी ख्यात में, तीन नंबर है दयालदासरी ख्यात में और चार नंबर है बांकीदासरी ख्यात में। तो इसका सही आंसर है जोधपुर की ख्यात में 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन मिलता है जोधपुर की ख्यात में। तो दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा जोधपुरी ख्यात। अगला है निम्न में से कौन सा युगम असंगत है। कोल्यमाला है वो किसकी है, ये जो ग्रंथ है ये कोल्यमाला ये किस लेखक का है। तो
ये उदोतन सूरी का है। दो नंबर है ढोला मारू राधुला, कवि को लोल आपको पता है। पृथ्वीराज विजय की बात करें तो जयानक है, वो डूंगर भाव जी है, ये भाव बट नहीं है, ये गलत है। तो चार नंबर इसका ए संकेत है, बाकी तीनों सही है। ये आपको याद भी रखने हैं, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तीनों ऑप्शन से। कुवल्य माला है वो उदयतन सूरी की है, ढोला मारू राधुला कवि कलोल की है, पृथ्वीराज विजय जयनक की है। जो डूंगर बाबूजी है ये पद्मनाभ की है, डूंगर बाबूजी है ये पद्मनाभ की जो ग्रंथ है डूंगर बाबूजी, ये पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। अगला है वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णन है। वंश भास्कर जो ग्रंथ है उसमें किसका इतिहास वर्णित है। एक नंबर बूंदी, दो नंबर मारवाड़, तीन नंबर मेवाड़ और चार नंबर है डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर है बूंदी। वंश भास्कर के अंदर है वो वर्णित किया गया है बूंदी का इतिहास। और वंश भास्कर है वो किसके द्वारा लिखा गया है यह आपको कमेंट में बताना है, वंश भास्कर के राइटर कौन है। अगला क्वेश्चन है ब्रजभाषा व पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप किस साहित्य को कहा जाता है। ये हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ब्रजभाषा पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, इसे पिंगल साहित्य कहा जाता है। ठीक है, ब्रजभाषा अलवर भरतपुर वाला जिला और पूर्वी राजस्थान हो गया, इसमें साहित्य केंद्र है वो पिंगल साहित्य कहा जाता है। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा पिंगल। और अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य किसे कहा जाता है। एक नंबर जैन साहित्य, दो नंबर चारण साहित्य, तीन नंबर ब्राह्मण साहित्य और चार नंबर है पौराणिक साहित्य। तो इसका सही आंसर है चारण साहित्य, राजस्थान भाषा का प्रधान साहित्य कहलाता है। दो नंबर ऑप्शन सही होगा चारण साहित्य। अगला है डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एक नंबर जग्गा खिड़ियानी, दो नंबर बिट्टू सुजाजी ने, तीन नंबर उद्योतन सूरी ने और चार नंबर है ओसिया बांकीदास ने। तो इसका सही आंसर है ओसिया बांकीदास ने डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ओसिया बांकीदास ने। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि ओसिया बांकीदास ने अपनी रचना कुकविपत्तिसी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और समतोलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना भरत बाहुबली रास किसके द्वारा ये अगला क्वेश्चन है व्याख्या में सिर्फ इतना ही। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि ओसिया बांकीदास ने अपनी रचना कुकविपत्तिसी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है समतोलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना प्रथम बाहुबली रास किसने लिखी थी। तो बाहुबली रास से आप शालीभद्र सूरी याद रखना है आपको। एक नंबर ऑप्शन सही होगा शालीभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखी गई है। शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखी गई कौन सी कृति है, कौन सा जो उनका ग्रंथ है। तो एक तो इनकी है कनक सुंदर, दो नंबर है केसर विलास और तीन नंबर है विश्रांत प्रवास। ये तीनों ही शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। राजस्थानी में प्रथम जो कहानी है विश्रांत प्रवास और प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर और प्रथम नाटक है केसर विलास के नाम से, रचयिता शिवचंद्र भरतिया है। यानी कि दोस्तों पहली अगर कहानी पूछे तो विश्रांत प्रवास है, पहला अगर उपन्यास पूछे तो कनक सुंदर है और पहला नाटक पूछे तो केसर विलास है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी होगा जो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह के महत्वपूर्ण चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेना।